क्वेश्चन नंबर एक, किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? ऑप्शन ए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बी भारत बायोटेक, सी जीनोमिक्स, डी भारत फार्मा। इसका सही उत्तर है बी भारत बायोटेक। क्वेश्चन नंबर दो, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा, बी शिखर धवन, सी सुरेश रैना, डी रविचंद्रन अश्विन। इसका सही उत्तर है सी सुरेश रैना। क्वेश्चन नंबर तीन, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश ने आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए भूटान, बी जापान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। इसका सही उत्तर है डी नेपाल। क्वेश्चन नंबर चार, झुकी हुई मीनार स्मारक किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए जापान, बी भारत, सी इटली, डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है सी इटली। क्वेश्चन नंबर पाँच, नासिक शहर किस देश के किनारे बसा है? ऑप्शन ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी, डी कृष्णा। इसका सही उत्तर है सी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर छः, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। इसका सही उत्तर है सी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर सात, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? ऑप्शन ए जापान, बी इंडोनेशिया, सी नॉर्वे, डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है सी नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर आठ, मुस्लिमों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मक्का किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी सऊदी अरब। इसका सही उत्तर है डी सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर नौ, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए यमुना नदी, बी गोदावरी, सी झेमल नदी, डी गंगा। इसका सही उत्तर है सी झेमल नदी। क्वेश्चन नंबर दस, भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी, बी गंगा नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी गोदावरी नदी। इसका सही उत्तर है सी ब्रह्मपुत्र नदी।